नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं अधीनस्थ चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा में नंबर सिस्टम से क्या क्वेश्चन बन चुके हैं उसके बारे में इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो यहां पर बातचीत करने वाले हैं 120 से 300 के बीच कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, यानी कितने ऐसे नंबर है जो मतलब स्क्वायर है किसी ना किसी का 120 से 300 के बीच में। तो इनके बीच में अगर हम बातचीत करें स्क्वायर की, तो सबसे पहले आपको पता है 12 का स्क्वायर 144, 11 का स्क्वायर से शुरुआत करते 121, क्योंकि इनके बीच में आएगा 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256 और 17 का 289। अब मुझे बताओ कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो टोटल 7 ऐसे नंबर है जो पूर्ण वर्ग संख्या है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 13 के क्रमागत 3 गुणक का योग 390 है। गुणक का मतलब जैसे आप कहते हैं ना 13 एकम 13, 13 × 2 = 26, 13 × 3 = 39, ये गुणक होते हैं हमेशा। इनका योग 390 है तो 13 का दूसरा गुणक होगा, तो 3 क्रमागत है तो मैं कहता हूं 13 का पहला गुणज 13 × k, 13 का दूसरा जो गुणज है वो k+1। कैसे बताओ, देखो अगर मैं कह रहा हूं 13 का पहला गुणज 7 है तो अगला 8 हो जाएगा और उससे अगला गुणज k+2 हो जाएगा, और आप बताओ इन तीनों का योग मैं कितना रखूं, 390। जोड़िए तो ये हो गया 13k + 13 × k 13k, इससे भी गुणा होगा और इससे भी होगा 13। यहां गुणा करो 13k + 13 × 2 = 26 बराबर 390। तो देखो 13, 26, 39, टोटल 39k + 13 और 26 39 बराबर 390। प्लस का 39 उधर जाके माइनस, तो 39k बराबर 10 में से 9 गया 1, 8 में से 3 गया 5, 351। तो k की वैल्यू कितनी बार ये इसको कैंसिल करेगा, 8 बार। जैसे देखो 8, 9, 72, 7, 8 × 3 = 24, 9 बार 9 बार कैंसिल, 9 × 9 = 81, 8, 9, 3, 27 और 8 हो जाएंगे 35। के का मान 9 आया, यानी पहला गुणज अगर 9 है हमें दूसरा गुणज लाना है, तो पहला गुणज हो जाएगा 13 × 9 = 117, दूसरा गुणज हो जाएगा 13 × 10 = 130 और तीसरा गुणज हो जाएगा 13 × 11 = 143। हमें दूसरा गुणज पूछा है तो हमारा उत्तर हो जाएगा 130। क्लियर है, जिन्होंने भी 130 सोचा वो बिल्कुल एकदम सही होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एलडीसी एग्जाम की फर्स्ट पेपर 12/8/2018 में बना था। अब देखो ये भी उसी का ये क्वेश्चन है, देखो 50005 का स्क्वायर। अब या तो आप गुणा करके देख लो या मैंने ट्रिक बता रखी है कि आप क्या करो, जब जैसे पहले मैं इस ट्रिक को इस पर्सन से समझाता हूं, मैं कह रहा हूं मुझे 45 का स्क्वायर बताओ या 35 का बताओ, इजी रहेगा। तो जब भी 5 हो लास्ट में और स्क्वायर करना हो तो 5 का तो 25 कर लो, 3 का गुणा अगले नंबर से करो, 3 × 4 = 12, 25। कल को मैंने बोला भी मुझे 75 का बताओ तो 5 का तो 25 कर लो, 7 का अगले नंबर से गुणा, 7 के बाद 8 आता है, 7, 8, 56, 25। तो यहां पर भी 5 का 25 कर लो, 5000 का गुणा अगले नंबर से, तो 5000 का अगला नंबर 5001 आता है, क्योंकि इसका तो 25 हो गया, इस वाले नंबर की कंपैरिजन होती है। तो देखो 3 0 से 3 0 लिख दिए मैंने, अब 5 बचा तो देखो 5 एकम 5, 2 0 और 5 25, तो ये आंसर बनना चाहिए 2500 5025। ये रहा देखो 2500 5000 और फिर 25, पहला ही ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, याद रखना 2500 है यहां पर। आगे बढ़ते हैं, किसी संख्या के घन और वर्ग के मानों का अंतर 100 है, उसके वर्ग और संख्या का अंतर 20 है, तो संख्या का मान होगा। वो ये कह रहे हैं कि घन और वर्ग का अंतर तो कितना है बताओ, घन और वर्ग का अंतर कितना है हमारे पास 100, और वर्ग और संख्या का अंतर, वर्ग और संख्या का अंतर कितना है अपने पास 20 है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा प्रयास करना चाहिए, आप ऑप्शन अप्रोच लगा लीजिएगा, ठीक है। यहां 20 है, यहां 100 है, 5 के गुणनखंड दिख रहे हैं, तो पहले 5 को ट्राई करो, तो 5 का क्यूब - 5 का स्क्वायर, तो 125 - 25 के अंतर 100 आया, बिल्कुल आ रहा है। 5 का स्क्वायर - 5, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 - 5 क्या 20 आ रहा, बिल्कुल। घन और स्क्वायर का अंतर 100 होना चाहिए, हो रहा है।
वर्ग और संख्या का अंतर, वर्ग किया तो 5 का स्क्वायर 25, संख्या 5 थी अंतर 20। बिल्कुल हमारा उत्तर राइट कौन सा हो जाएगा, 5 इज द राइट आंसर। क्लियर इट, आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18, 27, 35 का भाग देने पर 9 शेष बचे। तो देखो 15, 18, 27 और 35 का भाग देने पर 9 शेष बचे। तो सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा 2 से 15, 9, 27, 35, 3 से 5, 3, 9, 35, फिर 3 से 5, 1, 3, 35, फिर 3 से 5, 1, 1, 35, फिर 5 से और लास्ट में 7 से। तो 7, 5, 35। अब देखो आप इनसे गुणा करोगे कैलकुलेशन बढ़ेगी। 35 का गुणा पहले 2 से करो, 70, 3, 3, 9, 9, 3, 27। तो 70 × 27 कर लो तो आंसर मिल जाएगा 0, 7, 7, 49, 4, 14 और 4, 1890 आया। क्लियर है, ये हमारा एलसीएम बन चुका। पूरा गुणा से साधारण भी करोगे तब भी 1890 आएगा। मैंने तो इजी अप्रोच बताई है, शेष 9 बचना चाहिए तो लास्ट में हमें 9 जोड़ना पड़ेगा, तो वो संख्या हो जाएगी 1899। हर बार 9 बचता जाएगा, 1890 तक पूरा पूरा भाग चला जाएगा। आगे देखिए, दो संख्याएं एक्स और वाई के वर्गों का योग 85 है। ए एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर 85 है। इनका गुणनफल, इनका गुणनफल कितना है, 42 है। तो आप बताओ एक्स वाई का अंतर क्या होगा। तो 42 के टुकड़े क्या होते हैं पहले तो ये बताओ। 42 से 2 से 21, 3 से 7। अब देखो या तो 7 × 2 = 14 कर लो, 14 और 3, इनका गुणा 42। यहां देखो 3 × 2 कितना होता है, 6। तो यहां हमारे दो टुकड़े बन सकते हैं, एक 7 और 6। ये अप्रोच लगाते हैं हम लोग पहले, 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, जोड़ेंगे तो 85। एक्स इंटू वाई है तो 7 × 6 करेंगे तो 42। बिल्कुल अप्रोच लग रही है। तो हमें बोला एक्स माइनस वाई, तो आप बताओ 7 − 6 करोगे तो उत्तर 1 होगा। कौन सा ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट काम करेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है हमारे सामने। अब किसी भिन्न के हर और अंश प्रत्येक में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 2/3 हो जाता है। ये मैं कह रहा हूं ये हमारा अंश है, अंश को मैंने ए लिख दिया, हर को मैंने बी लिख दिया। इन दोनों में जब हमने 1 जोड़ा तब इसका मान 2/3 हो जाता है। वज्र गुणा कर लीजिए तो 3a + 3, 2b + 2, 2b को इधर लाओ, 3 को उधर भेज दो, तो 3a - 2b बराबर प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 होगा, 2 में से 3 गया तो -1 आएगा। सेम ये चीज यहां पर अप्लाई करो, हर और अंश और हर दोनों में से 1 घटाने पर तो a - 1 b - 1, तो मान कितना आ जाता है, 1/2। वज्र गुणा करो तो यहां पर आ गया कितना आएगा बताओ, 2a - 2, यहां से b - 1। क्लियर है, b - 1, 2a - 2 इधर आ जाएगा, 2a - b और माइनस का 2 उधर जाके प्लस का, तो यहां बचेगा कितना, 1। अब हमारे पास दो समीकरण आई, एक देखो ये वाली समीकरण आई और एक ये समीकरण। थोड़ा सा कैलकुलेशन है ध्यान रखना इसमें, 3a - 2b = -1 और 2a - b = 1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे, या तो a की वैल्यू ले आओ या b की। तो सबसे बढ़िया ये रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे, a को बराबर कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। कैसे बराबर कर सकते हैं बताओ, मैं a को यहां 2 से गुणा कर दूं और यहां 3 से। जैसे ही बराबर करेंगे क्या मान बनेगा ध्यान देना, 3 × 6a - 4b = -2 और यहां से 3 × 6a - 3b = 3। अब इसको जैसे ही घटाओगे घटाओगे घटाओगे, ये दोनों तो कट हो गए, माइनस और माइनस प्लस, माइनस के 4 में से + 3 गया तो -b बचा, और -3 में से -2 गया तो -5 बचा। तो अपने b का मान कितना आ गया, 5 आ गया। क्लियर है, अब सुनना, b 5 आया है तो किसी एक में रखिए ताकि a का भी मान आ जाए। इस वाले में रखते हैं 2a - 5 = 1 हो गया, क्योंकि b का मान मैंने यहां रख दिया 5, माइनस का 5 उधर जाके 2a = 6 है, तो a का मान 3 आ गया। तो b 5 है, a 3 है, तो a/b का मान होगा 3/5। a/b 3/5 कौन से ऑप्शन में, b ऑप्शन में मौजूद है। बेस्ट क्वेश्चन है ध्यान रखना एग्जाम के लिए, बहुत ही सुपर वाला। आगे बढ़ते हैं,
दी गई श्रृंखला में आगामी संख्या क्या होगी? तो देखो इस श्रृंखला को समझिएगा, 3, 28, 4, 65, 5, 126, तो 6 में नेक्स्ट नंबर, 3 से 28 है तो देखो 3 × 9 = 27 + 1, यानी क्या क्या इन्होंने, चलो यहां पर देख लेना, 4 × 16 + 1, स्क्वायर का गुणा करके एक जोड़ा, 4 का स्क्वायर 16 का गुणा करके एक जोड़ा, और देखो 5 का स्क्वायर 25, 25 × 5 = 125 करके एक जोड़ा, वैसे हम 6 का स्क्वायर करेंगे 36 गुणा करके एक जोड़ेंगे, तो देखो 6 × 36 18 और 3 216 216 में एक जुड़ेगा तो 217 आएगा, 217, और 217 हमारे सी ऑप्शन में मौजूद है। इस नंबर का गुणा स्क्वायर से करके एक जोड़ा, इस नंबर का गुणा इसी के स्क्वायर से करके एक जोड़ा, इस नंबर का गुणा इसी के स्क्वायर से करके एक जोड़ा, सेम यहाँ पर हमने अप्रोच लगाई। हमारे पास क्या है, यदि 3 संख्याएं 5 अनुपात 7 अनुपात 9 में है, इनका लसप 1260 है, 3 संख्याएं हमारे पास जिनका अनुपात है 5 7 9, इनका लसप कितना हमारे पास एलसीएम 1260। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन अनुपातों का एलसीएम लेंगे, और अनुपातों का एलसीएम इनका मल्टीपल ही होगा, ध्यान रखना। तो यहां से देखो 7 × 5 35 × 9 35 × 9 9 × 45 4 9 27 और 4 31 315 आया। अब दिए गए एलसीएम अगर आप अनुपातों के एलसीएम का भाग दोगे ना, 1260 में 315 का भाग दोगे तो एससीएफ मिल जाएगा, और ये वैल्यू इसको कितनी बार काटेगी, 4 बार, ये एससीएफ मिल चुका है। पहली संख्या पूछे तो 5 से गुणा, दूसरी क्योंकि एससीएफ का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या का पहाड़ आ गया, ओके। किसकी संख्या पूछी, सबसे बड़ी 9 हो जाएगी, तो आप बताओ 9 × 4 करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 36, और 36 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में मौजूद है। तो ये थे जितने भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन अधीनस्थ चयन बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं में बने थे, वो हमने इस वीडियो सेशन के दौरान डिस्कस किए हैं। आप लोग इन चीजों को बढ़िया से रिवीजन करना, बहुत हेल्पफुल रहेगी इस बार के एग्जाम के लिए। थैंक यू, जय हिंद।